आगे बढ़ेंगे हमारे पाटन से खबर, जहां पर मजदूरों को लेकर जा रही बस पलट गई है। हाईवे से 15 फीट नीचे खाई में जा गिरी बस, 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बस में 70 से ज्यादा मजदूर सवार थे। बनारस से मजदूर लेकर महाराष्ट्र ये बस जा रही थी। नेशनल हाईवे 30 पर पाल गांव के पास की घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता नरेंद्र पटेल से। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? जी सुमित, ये बताना चाहूंगा, ये प्रवासी मजदूर है जो कोरोना काल में अपने अपने घर चले गए थे, उन्हीं मजदूरों से भरी ये बस थी जो कि बनारस से महाराष्ट्र जा रही थी, तब ये हादसा हुआ है जिसमें 70 से ज्यादा मजदूर सवार थे। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा टला है, मामूली चोटें उन्हें आई है, बस एक गंभीर रूप से घायल है जिसे गंभीर हालत में संजय गांधी रीवा अस्पताल रेफर किया गया है। साथ ही जो अन्य है उनका इलाज अमर पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। वहीं अमर पाटन पुलिस मौके पर है और मामले की जांच कर रही है। सुमित, नरेंद्र आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस की जांच जारी है। गनीमत यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई है, हालांकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, एक गंभीर घायल है और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया।